और सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां गोरक्षनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम क्या कह रहे हैं सुनिए। महाराज महामंडलेश्वर पूज्य संत काशी से पधारे सतवा बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, महंत पंचानन पुरी जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम में जो हरनेस यहाँ पर संतों की सेवा के साथ जुड़े हैं, मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, सभी पूज्य संतजन, यजमानगण, श्रद्धालुजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले आप सब की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज का मैं कथा शुभारंभ के अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों, यजमान और अन्य सभी भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यहां के श्रद्धालुजनों का सौभाग्य है कि इस बार पुनः उन्हें पूज्य वेदांती जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य संतों के सानिध्य में प्रतिवर्ष गोरखपीठ में आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर जब गोरखपीठ के पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृतियों के लिए समर्पित इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें यह धार्मिक कथा भी अपना एक महत्व रखती है, जिसमें श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उपस्थित होकर के व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इस वर्ष गोरखपुर के श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद प्राप्त होगा। इसके दो तथ्य हम सबके सामने बहुत स्पष्ट हैं। एक, श्रीमद् भागवत महापुराण यह एक मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का मतलब केवल जीवन से मुक्ति नहीं है, मोक्ष का मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में पारंगत होने की कथा, जीवन के रहस्यों को समझने की कथा, जीवन में सफलता के मार्ग के चरम पर पहुंचने की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण एक माध्यम बन सकता है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वह एक माध्यम है, लेकिन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए जीवन के उस चरम सत्य तक पहुंचने की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहीं ना कहीं जब इस कथा के बारे में हम देखते हैं तो यह कथा हम सब के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में,
व्यावहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह किसी न किसी रूप में इस कथा के इर्द गिर्द होती भी दिखाई देती है। और इसीलिए भारत की परंपरा में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरितमानस पर आधारित प्रभु श्री राम के पावन लीला से जुड़ी हुई कथा यह अत्यंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस को जितना प्रभावित भारत के इन दो आराध्य देवों ने, सनातन धर्म से जुड़े हुए इन दो आराध्य देवों ने जितना प्रभावित किया, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है जब आप के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, अपने स्वयं के कार्यों में लिप्त है, उन स्थितियों में एक दिन नहीं, एक सप्ताह, नौ दिन, कई कई दिनों तक चलने वाली कथा का यह आयोजन घंटों घंटों श्रद्धालु सुनता है, अपनी परंपरा के साथ जुड़ता है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है, और फिर जीवन के रहस्यों के माध्यम से जीवन की सफलता और चरमोत्कर्ष की पर पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह हमें इतिहास की ओर भी, अपने अतीत की ओर भी झांकने का, अपने विरासत की तरफ भी देखने का एक अवसर प्रदान करता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान वेदव्यास क्या स्थिति रही होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, जिनके आशीर्वाद से जो वंश परंपरा बली हो, पढ़ी हो, आगे बढ़ी हो, और उन्हीं के सामने महाभारत युद्ध के युद्ध में आमने सामने खड़ी कौरव और पांडवों की सेना में हुआ भीषण महासंघर्ष दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया हो, अपूर्णीय क्षति की हो, ज्ञान विज्ञान की जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो, व्यापक हानि हुई हो, कोई भी उस हानि से अछूता नहीं था। वह दृश्य वेदव्यास जैसे ऋषि के लिए कैसा रहा होगा, किस प्रकार की उत्तेजना का रहा होगा, किस प्रकार की स्थिति से गुजरने का रहा होगा। उन स्थितियों में अपने मनस शांति के लिए उन्होंने जिस महापुराण की रचना की थी वह महापुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5200 वर्षों से निरंतर निरंतर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दुनिया योगी आदित्यनाथ का आप संबोधन सुन रहे हैं। चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का कार्य उस कालखंड में हुआ, और इसीलिए हमने धर्म की जब बात की, मोक्ष की बात की, तो मोक्ष कोई व्यक्ति अचानक नहीं प्राप्त करता, सफलता कोई अचानक नहीं प्राप्त करता, उसके लिए चार पुरुषार्थ जीवन के बाद दिए गए। धर्म के मार्ग का अनुसरण करोगे तो नैतिक रूप से अर्थों का उपार्जन भी हो जाएगा। नैतिक रूप से अर्थ का उपार्जन आप कर रहे हैं तो कामनाओं की सिद्धि भी उससे अवश्य होगी, और उस मार्ग पर आगे चला अधिक जीवन के चरम पुरुषार्थ को मोक्ष की प्राप्ति करने में भी वह सफल होगा। जीवन की सफलता के रहस्य भी इसी प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, और जीवन के लिए रहस्यों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक प्रसंगों के साथ, आज से हजारों वर्ष पुराने पुरातन परंपरा के साथ हम सबको जोड़ती है। लीला भगवान श्री कृष्ण की है,
लेकिन इसमें शब्दावली भी भगवान वेदव्यास की है, लेकिन रहस्य यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म के उत्कर्ष से जुड़ी हुई है, और इसलिए भारतीय मनीषा ने धर्म की परिभाषा की तो इसको उपासना विधि नहीं माना, इसको माना धर्म क्या है, जहां अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है, जहां पर सांसारिक उत्कर्ष के लिए हम कार्य करते हो, भौतिक विकास के लिए भी हम कार्य करते हो, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक उन्नयन भी, जिसके माध्यम से हम जीवन के उस सत्य को समझ सके, उसका उद्घाटन कर सके, इसको समझने के इन दोनों उपायों को जब एक साथ जोड़ करके हम चलते हैं तो उसी को हमने धर्म माना है। पूजा पद्धति धर्म का एक हिस्सा हो सकता है, जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, उपासना विधि का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ नहीं। इतने व्यापक अवधारणा दुनिया के अंदर कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए एक सच्चा हिंदू कभी भी उपासना विधि के किसी एक उपासना विधि के लिए अपने आप को नहीं मानता कि मैं इसी उपासना विधि को मानूंगा, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं, किसी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी के लिए आवश्यक नहीं कि वह केवल एक बात को लेकर के लकीर का फकीर हो, कभी नहीं रहा। और जिस धर्म में इतनी व्यापकता हो, लोगों को जोड़ने की इतनी संभावना हो, वही जीवन के इस उतार चढ़ाव को देख सकता है। और आपने देखा होगा कि अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी सनातन धर्म आज भी अपनी इस जीवंतता को बनाए हुए हैं, तो इसके पीछे ही कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को सुनने का आनंद आज एक बार फिर से यहाँ के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कथाव्यास काशी से पधारे जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांति जी महाराज का, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी श्रद्धालुजनों का, भक्तों का, और विशेष रूप से जो यजमानगण हैं इनका, जो प्रतिवर्ष इस कथा के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, कथा को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, अपनी धार्मिक परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए पूरी शालीनता के साथ इस आयोजन में भागीदार बनते हैं, इन सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए इस कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो और आप साप्ताहिक कथा का आनंद ले सकें, आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकें, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए अपने इस पावन कथा के लिए यहाँ पर कथा व्यास पर विराजमान पूज्य स्वामी जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ अपने श्रीमुख से करें। पूज्य स्वामी जी योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, शोभा यात्रा में वो शामिल हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत और भागवत पुराण की महिमा का यहाँ पर सबके सामने बखान किया और उसकी महत्ता के बारे में बताया।